विजय एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। जम्मू में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप, आरोपी गिरफ्तार। एक युवक ने 17 वर्षीय किशोरी की कथित रूप से बलात्कार किया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित परिवार से शुक्रवार को जानीपुर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके अनुसार शिवालिकपुरम निवासी आरोपी कर्ण सिंह ने उसकी नाबालिग बेटी का कथित रूप से अपहरण किया और उससे बलात्कार किया। उसी के घर में संदूक में बंद मिली 2 साल की मासूम बच्ची की लाश। आगरा के हरी पर्वत क्षेत्र में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मोहल्ले में शनिवार शाम को घर के बाहर खेल रही 2 साल की मासूम बच्ची को पड़ोसी युवक उठाकर ले गया, इसके बाद घर के संदूक में बंद करके भाग गया। प्रेग्नेंट होने पर मिली जान से मारने की धमकी, प्रेमिका ने प्रेमी समेत वैन में लगाई आग। झारखंड स्थित रातू में एक प्रेमिका ने प्रेग्नेंट होने पर जब प्रेमी से जान से मारे जाने की धमकी मिली तो उसने चलती वैन में अपने प्रेमिका पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस घटना में जलता हुआ प्रेमी किसी तरह से बाहर निकला और अपनी जान बचाई। अलवर गैंगरेप पीड़िता बनेगी राजस्थान की पुलिस की सिपाही। अलवर गैंगरेप पीड़िता राजस्थान पुलिस की सिपाही बनेगी। थाना गाजी गैंगरेप शिकारी महिला ने सरकारी नौकरी की मांग की थी, उसके बाद उसकी शिक्षा के और उसकी इच्छा के अनुसार सरकार के स्तर पर उसको नौकरी देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश में दलित लड़की को परिजनों ने 1.5 करोड़ रुपए में बेचा। मध्य प्रदेश में एक 14 साल की लड़की, रिश्तेदारों ने उसे मानव तस्करों को बेच दिया, जिसके बाद उसके साथ रेप होने की घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश की इस नाबालिग के साथ राजस्थान में अलग अलग जिलों में 3 लोगों ने रेप किया। यह चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब जयपुर पुलिस ने पोक्सो एसटी एक्ट के तहत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना विधायक की कार की चपेट में आई बच्ची ने तोड़ा दम। मुलुक जिले में शनिवार को एक विधायक की कार की चपेट आने से दोपहिया वाहन पर सवार 1-2 वर्षीय लड़की की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। मुलुक जिले के चिड़ीवागु इलाके में यह दुर्घटना हुई। बालों में लगाने वाला कलर पीकर ससुराल पहुंचा पति पत्नी का काट दिया गला। यूपी के जालौन जिले में रविवार को निर्मम हत्या का एक मामला सामने आया है। यहाँ ससुराल आए पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।